हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 साइप्रस की, जो T10 सीरीज स्टार्ट हुई है आज से, इसके चौथे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा रॉयल CC वर्सेस एवरेस्ट के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 4:30 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 1 जून 2024 आज की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो यपनसोन्स क्रिकेट ग्राउंड लिमासोल में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच होती है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर देखें तो 120 से लेके 130 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें इस सीजन में तो 2 मैच हो चुके हैं इस वेन्यू पर, जिसमें से दोनों के दोनों मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती थी, यानी बैटिंग फर्स्ट वाली को थोड़ा बहुत एडवांटेज दिख रही है इस वेन्यू पर। ठीक है, पहले बात करते हैं एवरेस्ट की, जिसका इस टूर्नामेंट में एक मैच हो चुका है। और वहीं जो दूसरी टीम है रॉयल CC, उसका आज के दिन का पहला मैच है। तो आप वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, तो ये आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाएगी, ताकि आपको कौन कौन से प्लेयर लेने हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी हो सके। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन एवरेस्ट की, जिसने इस टूर्नामेंट में एक मैच खेला है और एक मैच हारी है। ठीक है, लेकिन इनका एक मैच और 2:30 बजे स्टार्ट हो गया है, तो उसके हिसाब से भी अपने प्लेयरों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो पहला मैच इनका हुआ था, उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर दिया है। तो इनका पहला ओपनिंग करना आया था जीवन लसमल, जिसने पहले मैच में 22 रन की शानदार पारी खेली, साथ ही 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिया, यानी बैटिंग अच्छी खासी कर सकता है, साथ ही कभी कभार पार्ट टाइम के तौर पे गेंदबाजी डालता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और सिलेक्शन की बात करें 96% इसका सिलेक्शन है, बिल्कुल भी आपको उसको छोड़ना नहीं है, और खेल तो रहा है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इसको दे सकते हो। और T10 का करियर देखोगे 27 मैच में 596 रन है, 25 की शानदार एवरेज से, 3 ओवर की गेंदबाजी, 0 विकेट। इसके बाद है आशीष बम, जिसने पहले मैच में 42 रन की शानदार पारी खेली, ओपनिंग कर रहा है, साथ ही विकेट कीपिंग में है, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 41 T10 के मैच में इसने 263 रन बना रखे हैं 13 की एवरेज से, और पहले मैच में भी 42 रन की अच्छी पारी खेली थी, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन की बात करें 16% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है अर्जुन साई, जिसने पहले मैच में 13 रन की पारी खेली, साथ ही 2 ओवरों की गेंदबाजी कराई, 1 विकेट लिया, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों अच्छी करी थी। और इसका ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 28 मैच में 248 रन है, 26 की शानदार एवरेज से, 46 ओवर की गेंदबाजी, 16 विकेट, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं। और सिलेक्शन आपके सामने है मात्र 13%, एक कैप्टनसी पिक है। ठीक है, ये इसके बाद है श्याम पंडित, जिसने पहले मैच में मात्र 0 रन बनाए, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 12 मैच में 75 रन है 9 की एवरेज से। इसके बाद है राम जेसवाल, एक मैच में 7 रन बनाए, इसको भी आप ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हो। T10 का करियर देखोगे 13 मैच में 85 रन 21 की एवरेज से, 13 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट, फर्स्ट बैटिंग में आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद है संदीप कथारी, जिसने पहले मैच में 8 रन बनाए, साथ ही 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 3 मैच में 29 रन 8 ओवर की गेंदबाजी 3 विकेट। उसके बाद है साहिल अख्तर, यह एक अच्छा बॉलर है, पहले मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी कराई 1 विकेट लिया, और ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 11 मैच में 15 ओवर 9 विकेट है, तो बॉलिंग करवाता है, इसलिए आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, साथ ही जरूर पढ़ने पर आपको बैटिंग भी अच्छी खासी दे सकता है। सिलेक्शन की बात करें 80% इसका सिलेक्शन है, एक अच्छा प्लेयर है। इसके बाद है इसका ओवरऑल रिकॉर्ड बता दिया। इसके बाद है भुवन खत्री, जिसने भी पहले मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी कराई 1 विकेट लिया, और ओवरऑल रिकॉर्ड भी आप देखोगे 16 मैच में 26 ओवर 17 विकेट है, यानी बॉलिंग कंफर्म करा के देगा आपको, और पहले मैच में भी 2 ओवरों की गेंदबाजी कराई है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा। उसके बाद है विकास खत्री, जिसने पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 4 मैच में 33 रन 2 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। उसके बाद है मोहम्मद हसन, जिसने पहले मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी कराई 0 विकेट लिए, लेकिन कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी कराने वाला प्लेयर है, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 13 मैच में 45 रन 24 ओवर की गेंदबाजी 8 विकेट, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद हसन और ऊपर से भुवन खतारी में से किसी भी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन देखें तो भुवन खत्री का 81% और मोहम्मद हसन का 57%, तो किसी भी एक प्लेयर को अपने को ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद है आदर्श देव कुमार, जिसने पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 12 मैच में 105 रन 8 की एवरेज से, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और इससे पहले भी एक T10 खेला जिसमें भी बैटिंग बॉलिंग का मौका नहीं मिला था। अब इस टीम की तरफ से बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं दूसरी नई टीम रॉयल CC की, जिसका आज के दिन में पहला मैच है, और जो सभी प्लेयरों के हम स्टेट्स बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, पहला प्लेयर है उमर साद, जो एक अच्छा खासा ऑलराउंडर है, 53 मैच में इसने 22 की एवरेज से 921 रन बनाए, 41 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 18 विकेट लिए, यानी अच्छी खासी बैटिंग करके देगा, और आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। सिलेक्शन की बात करें 95% सिलेक्शन है। उसके बाद है सरप्रीत सिंह, जिसने 25 T10 के मैच में 330 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए, बल्लेबाजी अच्छी करता है, बॉलिंग पार्ट टाइम के तौर पे बहुत कम करवाता है, लेकिन बल्लेबाजी के कारण आप इसको ट्राई कर सकते हो। और सिलेक्शन की बात करें सरप्रीत सिंह की
तो सरप्रीत सिंह का सिलेक्शन देखने को मिलेगा 95%। और एक अच्छा प्लेयर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद है मोहम्मद हमजा, जिसने 25 मैच में 47 रन बनाए, 33 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 12 विकेट लिया। यानी बॉलिंग करवाता है लेकिन विकेट थोड़े कम मिलते हैं। और इस प्लेयर का आप सिलेक्शन देखोगे सिलेक्शन है 91%, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ड्रॉप कर सकते हो। इसके बाद है करण सिंह, 9 मैच में 118 रन बनाए, साथ ही 12 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। यानी थोड़ी बहुत बैटिंग और थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग प्रोवाइड करवा सकता है, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन की बात करें 87% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है राहुल भील, जिसने 16 टी10 के मैच में 61 रन बनाए मात्र 5 की एवरेज से, यानी बहुत ही बेकार रिकॉर्ड है। और सिलेक्शन आप देखोगे सिलेक्शन देखने को मिलेगा 90%, ठीक है। इसीलिए आपको चैनल के साथ जो जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको ऐसे प्लेयरों के बारे में सही से जानकारी हो पावे कि सिलेक्शन बेस पे अपने को टीम नहीं बनानी। सिलेक्शन के साथ में रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो रिकॉर्ड आपके सामने है, रिकॉर्ड बहुत घटिया है इसका, ठीक है। उसके बाद है जियाउद्दीन, 8 मैच में 9 ओवर 0 विकेट, यानी बहुत बॉलिंग करवाता भी कम है और विकेट भी कम मिलते हैं। उसके बाद है तेजेंद्र कुमार, जिसने 3 T10 के मैच में 5 रन बनाए। इसके बाद है लवप्रीत, 10 T10 के मैच में बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाए, साथ ही 11 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 9 विकेट लिए। तो इसको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो ऐसे ग्रैंड लीग में, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी कम करवाता है लेकिन जब भी करवाता है तो इसको विकेट मिलते हैं। इसलिए आज के मैच में इसको ट्राई कर सकते हो और थोड़ा बहुत कभी कभार आपको बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सकता है। सिलेक्शन की बात करें 93% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है विशाल कुमार, जिसने 7 मैच में 19 रन बनाए, 11 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 9 विकेट लिए, तो आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा। अब इस प्लेयर की खास बात यह है कि यह आपको देखने को मिलेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन एक अच्छा बॉलर है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद है नवप्रीत सिंह, जिसने 13 T20 के मैच में 19 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 8 विकेट लिए और 4 T10 के मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया। यानी बॉलिंग बहुत कम करवाता है, इसलिए खाली ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है, ठीक है। और सिलेक्शन भी देखे नवप्रीत सिंह का तो सिलेक्शन मात्र 1% है, कुछ खास प्लेयर नहीं है। इसके बाद है नीरज कुमार, जिसने 10 T20 के मैच में 20 की एवरेज से 182 रन बनाए, यानी आप इसको ट्राई कर सकते हो खेलेगा तो, ठीक है। और सिलेक्शन भी देखे नीरज कुमार का, तो नीरज कुमार का सिलेक्शन देखने को मिलेगा अपने को बॉलिंग, नीरज कुमार का सिलेक्शन है मात्र 0.82%, लेकिन एक अच्छा बैट्समैन है, आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक प्लेयर अपने को ट्राई करना था, बी खत्री को, ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को ट्राई कर लिया। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन इसमें जे लसमल एक अच्छा ऑप्शन है, और वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए अपन नहीं अर्जुन साई को अपन इस मैच में कैप्टन बनाएंगे, वाइस कैप्टन जे लसमल को बनाएंगे, ठीक है। या डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम में फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। बात करते हैं बाकी के जो 3 प्लेयर हैं, इनके रिकॉर्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे, धन्यवाद। और यह डेमो टीम आप सेव कर लो, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।